भारत के फिलहाल गोल्ड मेडल है 8, यहां जीते तो 9 गोल्ड मेडल हो जाएंगे। स्कॉटलैंड को चुनौती देना, स्कॉटलैंड को पीछे छोड़ देगा भारत मेडल टैली में अगर दीपक ये गोल्ड लाते हैं तो। मोहम्मद इनाम वक्त के पास 2 गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में, बस स्टेमिना दीपक के पास है और इनाम के चेहरे पे थकान दिखने लगी है। दीपक के पास पूरे स्टेडियम का समर्थन है और दंगड़िया लाने की कोशिश, पक गए इनाम, अनुभव है उनके पास। ये बहुत अच्छी बात है, हाथ और पैर दोनों ही चला रहे हैं लगातार, कितने तक की जगह और भाग रहे हैं पाकिस्तान के पहलवान, किस से भाग रहे हैं। निश्चित रूप से रेफरी द्वारा हिदायत की गई है, ब्लू टैग द्वारा उन्हें वार्न किया गया है, रेड और ब्लू दो टैग रेफरी के हाथ में होता है और उसी हाथ को आगे की करके बताया जाता है, क्योंकि इतनी आवाज में सुनाई तो देता नहीं है लेकिन हाथ रेंज के अवसर पता चल जाता है। क्या पहली बार और फिर से क्रिक बनाने की कोशिश, डिफेंस ही कर रहे हैं मोहम्मद इनाम अब तक तो। दीपक अगर बाहर ले गए तो 1 पॉइंट मिलेगा, क्या बाहर गए जी नहीं, और काउंटर अटैक वापस आई थे पर यहाँ पे इनाम बट नाखुश नजर आ रहे हैं कि ये पॉइंट गलत दे दिया गया, हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन पे आप जोन से बाहर जा रहे हैं तो ये कई बार प्रैक्टिस होती है, थोड़ी सी बहस कर लें और आप ऑक्सीजन कैरी करें। बिल्कुल, एक ब्रीदर मिल जाता है, दोनों रेस्लर थके हुए हैं क्योंकि 6 मिनट गुत्तम गुत्ती होना बहुत कठिन काम है। नवा गोल्ड मेडल क्या भारत को दीपक पुनिया दिलवाने वाले हैं। एक अगर अच्छी क्रिप मिल गई, एक बड़ा होल लगा दिया तो पॉइंट की लीड अच्छी खासी कंसोलिडेट कर सकते हैं। इनाम ने तो अब तक कोई मूव लगाया भी नहीं है, सिर्फ बचे हैं क्रिप से भागे में। जैसे हम गांव की भाषा में बोलते हैं, देसी भाषा में, कि उसे सुस्ताने नहीं देना है, पाकिस्तानी पहलवान को सुस्ताने नहीं देने के लिए। बिल्कुल, कोई ब्रीदर ना दें, ऑक्सीजन इकट्ठी ना करने दें, कॉन्सेंट्रेशन वापस हासिल ना करने दें, ये दीपक की कोशिश है। लेकिन अभी भी 1 मिनट है, क्या इनाम वापसी कर सकते हैं या नवा गोल्ड मेडल दीपक लाने वाले हैं। कृपा जी ने कहा है बिल्कुल आएगा गोल्ड मेडल, पूरा भारत कह रहा है कि गोल्ड मेडल आएगा, तीसरा गोल्ड मेडल रेसलिंग में क्या दीपक इस 1 मिनट के बाद भारत को देंगे। और ये साफ नजर आ रहा है वो सुस्ताने नहीं दे रहे हैं और तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और दीपक पुनिया कोच ने जो कही है बात उसका पालन कर रहे हैं, लगातार फेंक रहे हैं, भगा रहे हैं, वो देखिए हाथ हरा कर टाइम पास करना चाहते हैं, हार का वहाँ पहलवान कभी इस तरह टाइम पास नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये स्थिति भी निर्मित हो जाती है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने और बहुत बढ़िया हमें एंगल मिला को देखने के लिए, कैसे हाथ हराया पेट पे दीपक पुनिया के इनाम ने, और इस बार दीपक बचे हैं बस 20 सेकेंड और बाकी हैं। इनाम अब डेस्परेट हो रहे हैं कि एक मूव लगाए पर दीपक मूव नहीं लगाने दे रहे, दीपक के पास कंट्रोल है, दीपक पुनिया के पास भारत का समर्थन है और अब दीपक पुनिया के पास कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल भी है। 3-0 से दीपक पुनिया ने भारत को रेसलिंग का तीसरा गोल्ड मेडल